नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पोजन स्टॉक किसी में जो स्टॉक लेके आया उसका नाम है रेडिको खेतान। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। मैंने 27 सितंबर 2021 में शेयर को आप लोगों के साथ डिस्कस करा था। 27 सितंबर 2021 में डिस्कस करा था। उस टाइम दोस्तों इसका रेट था 902 और स्टॉक ने दोस्तों 21 जनवरी 2022 में अपना हाई मारा था 1294 का, यानी कि 4 महीने के अंदर आप लोगों को 40% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों, मैं केवल ये कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग जब भी आप लोगों को पोजिशन में अगर आप लोग ले रहे हो तो 10-15% का अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो जो भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ, जिन्हें भी मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल अच्छा है, तो आप लोग उस स्टॉक के अंदर बने रहो दोस्तों। ये सब अप डाउन लगा रहता है। हालांकि इन दिनों दोस्तों मार्केट के अंदर निफ्टी को उतना ज़्यादा नहीं तोड़ा जा रहा है जितना ज़्यादा शेयर्स को तोड़ा जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे, कई शेयर्स ऐसे हैं दोस्तों जो अपने 200 EMA के नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 52 वीक लो को भी तोड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ द गेम है, कभी ना कभी तो 52 लो भी लगेगा और 52 हाई भी लगता है। तो इस टाइम कुछ स्टॉक आपको 52 वीक लो पे मिलते हैं, और अगर अच्छे स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटल अच्छा है उन स्टॉक का, तो आप लोग दोस्तों उन्हें कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, उन स्टॉक का भी फंडामेंटल अच्छा है। अगर आप लोगों का किसी में ऐसे नहीं लग रहा है और एवरेज करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग उसे एवरेज कर लो दोस्तों। ये मार्केट में टाइम होता है, होता क्या दोस्तों, जब मार्केट में ना ऐसे डरावना सा माहौल बना रहता है, रोज़ाना मार्केट टूट रही होती है, एक दिन ऊपर जाके 2 दिन टूट जाती है, तो उस टाइम पे लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो हर कोई लगाना चाहता है, और जब ऊपर चली जाती है फिर वहाँ से जब नीचे आती है तो अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है। हालाँ मैं ज्ञानबाजी ज़्यादा नहीं पेलना चाहता हूँ, बस आप लोगों के साथ इतना कह रहा हूँ दोस्तों। अभी स्टॉक आप लोगों को अच्छे रेट पर मिल रहे हैं और मार्केट काफ़ी अच्छे तैसे इन दिनों आप लोगों को मौका दे रही है, तो आप लोग एंट्री ले लो इस स्टॉक का। फंडामेंट स्टॉक दोस्तों आपको मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, 200 EMA के पास मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों ये 200 EMA के पास आया स्टॉक। देखोगे आप लोग कब से नहीं आया स्टॉक, ये यहाँ पे भी टच नहीं करा था दोस्तों। 2021 भी ख़त्म हो गया, यानी कि जब से निकला है ना, जून 2020 से जब से निकला है दोस्तों, तब से अपने 200 EMA के पास नहीं आया स्टॉक, और अब जाके आपको 200 EMA के पास मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग इसे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वही अपना दोस्तों कि अगर ऊपर जाता है तो क्या करना है और नीचे जाता है तो क्या करना है। ऊपर जाता है तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो क्या करना है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अभी स्टॉक आप लोगों को 944 पर मिल रहा है, 944 पे मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी 35% कैपिटल लगा सकते हैं। बाकी आप लगाओगे दोस्तों 865 पे, आज भी दोस्तों 900 के पास आ गया था आसपास, लेकिन मैं मार्केट आज में तो वीडियो बना नहीं सकता हूँ, तो बाद में बनानी पड़ती है। और एक लेवल आप लोगों के साथ और देना है, काफ़ी दूर का लेवल है दोस्तों। और दोबारा से लिख लेते हैं क्या था लेवल हमारा। 944 पर आप लोग अपनी कैपिटल का 35% लगाएंगे। बाकी आप लोग लगाओगे दोस्तों 865 पर 30%, इसके बाद आप लगाओगे दोस्तों 650 पर 50%। हालांकि जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप उस लेवल को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मार्केट इतने मतलब 4 महीने हो चुके हैं तो लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इस लेवल को ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे भी 35% लगाना है। अब एक बार इस स्टॉक का फंडामेंटल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों स्टॉक का। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में 5 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से 3 पॉइंट आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आएंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग टिकट ऐप पे जाके देखते हैं, जीरोधा के अंदर ही फैसिलिटी है कि आप लोग जब भी फंडामेंटल पे क्लिक करते हैं तो आपको टिकट ऐप पे लेके चला जाता है।
जहाँ पर सेक्टर का पी रेशो 50.81 है दोस्तों, वहाँ पर इस स्टॉक का पी रेशो 47.15 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशो 9.65 है, जबकि इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो 7.29 है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों स्टॉक काफ़ी अच्छा है पी रेशो के हिसाब से। फाइनेंशियल अगर ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो इस साल नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों ज़रूर इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, कंपनी ने 5 साल के अंदर अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर लिया है, 7.43 से 11.93% कर लिया है। अगर इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ -0.29% है, वहाँ पर इस कंपनी का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ 7.54% है। अगर नेट इनकम एवरेज की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का नेट इनकम एवरेज 25.39% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट इनकम एवरेज 28.81% है। ये तो नॉर्मल व्यू के हिसाब से था दोस्तों। अगर ग्रोथ व्यू के हिसाब से देखने जाएँ तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से 1 पॉइंट आपको रेड नज़र आ रहा है और एक ग्रीन है। जो रेड नज़र आ रहा है दोस्तों नेट इनकम वाला पॉइंट, ये एनुअल पॉइंट ऑफ के हिसाब एनुअल ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ग्रोथ व्यू के बाद मार्जिन व्यू देख लेते हैं। मार्जिन व्यू में 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहे हैं दोस्तों। बैलेंस शीट में 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहे हैं। कैश फ्लो वाला पॉइंट यहाँ पर दे नहीं रखा है। एक बार रिटेल होल्डिंग भी देख लेते हैं दोस्तों, रिटेल होल्डिंग क्या चल रही है, रिटेलर्स की होल्डिंग क्या है दोस्तों। मार्केट के अंदर पैसेंस जरूर रखना आप लोग, इस टाइम पे आप लोग अपना विकेट मत गवा देना जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बह के अपनी लॉस वगैरह बुक मत करना। अगर एवरेज करने का मौका है आप लोगों के पास तो एवरेज कर लेना। देखो होगा क्या, आप लोग हो सकता है कि बच जाओ, मतलब यहाँ से हो सकता है मार्केट और ज़्यादा डाउन चली जाए और आप लोग यहाँ पे बेच के निकल के और फिर नीचे एवरेज कर लो। लेकिन मुझे दोस्तों लगता नहीं है कि आप लोग ऐसा, मतलब हम लोग कर पाते हैं। हम लोग भावनाओं में कहीं ना कहीं बह जाएंगे, जैसे अभी बहेंगे इस रेट पर हम लोग अगर निकल जाते हैं और गलती से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टर हो दोस्तों, आराम से तसल्ली से बैठो ना, टाइम दो मार्केट को 10-15 साल का, आप लोगों का भी दोस्तों वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अगर रिटेलर की बात करूँ दोस्तों तो रिटेलर आप लोगों को एग्जिट करते हुए नज़र आ रहे होंगे, लास्ट क्वार्टर लगातार ही एग्जिट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक चारों पांचों क्वार्टर में दोस्तों ये एग्जिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रिटेलर एग्जिट कर रहे हैं, 200 EMA के पास मिल रहा है स्टॉक दोस्तों, फंडामेंटल अच्छा है। तो मुझे लगता है दोस्तों गिरावट का टाइम चल रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास पहले से कोई स्टॉक है दोस्तों तो आप लोग उसे भी एवरेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।